वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 12th रिलेशन एंड फंक्शंस. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये भी हमने उस लेक्चर के अंदर किए थे. तो आज हमने चेक करना है कि डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो रिलेशन है डिफाइन किया हुआ है 1 टू 14 ए सेट है और एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इसकी रोस्टर फॉर्म सबसे पहले हम देखेंगे. हमारे पास रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 3x. वाई इज इक्वल टू 3x. तो 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, अगर मान लेंगे तो कितना 3 आ जाएगा. 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 9. 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 12. 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा 15. लेकिन 15 यहां पर नहीं है. तो यही हमारी जो है रिलेशन है उसकी रोस्टर फॉर्म है. अब हमने चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों है या नहीं, ये चेक करना है. तो पहला रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, x रिलेटेड टू x, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ये होना चाहिए. ये देखिए, मतलब यहां 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए. तो देखिए, वन रिलेशन 1 इज प्रेजेंट इन आर और नॉट. तो 1R1 जो है डज नॉट प्रेजेंट इन आर. तो 1R1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं है 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, 3-3 नहीं है. तो ये हमने चेक करना था. सेकंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, यहां पर x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, या दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू R. तो ये होना चाहिए x y y x. तो यहां देखिए 1-3 क्या 3-1 इसके अंदर है, 1-3-3-1 नॉट. यहां पर 1-3 प्रेजेंट इन R बट 3-1 डज नॉट प्रेजेंट इन R, सो इट इज नॉट. हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा पेयर ढूंढ ले जो इस कंडीशन को, कंडीशन के ऊपर अप्लाई ना हो, तो हमें पता चल जाए वो सिमेट्रिक है या नहीं. थर्ड वन ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के अंदर क्या चेक करना होता है, यहां पर x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z. तो ये हमें चेक करना होता है, x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x z से भी रिलेट होना चाहिए. तो 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 9 बट 1 डज नॉट रिलेटेड टू 9, दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज नॉट प्रेजेंट. x y z x z इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज not transitive relation. ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. आइए सेकंड देखते हैं. फर्स्ट के सेकंड पार्ट में रिलेशन R इज ए सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज दिस x y y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. तो यहां पर रिलेशन जो है, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 5. तो हमारे पास जो x है दैट इज लेस देन 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 ओनली नेचुरल नंबर. तो
तो यहां फिट करेंगे, रिलेशन तैयार करेंगे, तो 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि x इज लेस देन 8 है। तो ये हमारा रिलेशन। तो आप देखिए पहला रिफ्लेक्सिव, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करना होता था, x रिलेट टू x, x रिलेट टू x, क्या 1 1 प्रेजेंट है, 1 रिलेट 1 और 1 1 इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक ही ऐसा ढूंढ ले पेयर जो उसको सेटिस्फाई ना करे तो हमें पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमने क्या, एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स, तो एक्स वाई, वाई एक्स दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, 1 6 प्रेजेंट इन आर बट 6 1 डज नॉट प्रेजेंट इन आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर क्या चेक करना होता है, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z, तो ये चेक करना होता है। यहां पर देखिए 1 6 इज प्रेजेंट इन R, बट 6 का आगे कोई इमेज ही नहीं है, x का y में तो है बट y इट डज नॉट प्रेजेंट, तो y R Z इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। अगर इसकी y की z की इमेज प्रेजेंट ही नहीं है, 1 6 अगर 6 की प्रेजेंट होती तो ही हम आगे चेक करते, इसलिए ये बाई डिफॉल्ट, क्योंकि दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं 1 6 तो है लेकिन 6 की इमेज नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यह है ट्रांजिटिव रिलेशन है, आगे भी देख सकते हैं 2 7 है, 7 की इमेज नहीं है, 3 8 है, 8 की इमेज नहीं है, इसलिए यह है ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट क्या है, रिलेशन आर, रिलेशन आर इन द सेट ए ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जो डिफाइन है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो ये हमारे पास रिलेशन ड्राइव है। इसकी रोस्टर फॉर्म देखेंगे पहले, सॉल्यूशन रिलेशन, तो इसके ऑर्डर पेयर तैयार करें, 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 6 को डिवाइड करेगा। आगे चलते हैं 2 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 2 तो करेगा, उसके बाद 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, फिर 3 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 3 3 6 ऐसे चलते हैं, 4 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास रिलेशन है, हमने इसको चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ये देखिए ये रिलेशन पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, मींस एक्स रिलेट टू एक्स इज प्रेजेंट और नॉट, 1 1 है, यस है,
टू टू है, यस है, थ्री थ्री है, यस है, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट है जो वन टू सिक्स है। तो सो देखिए वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे चलते हैं सममेट्रिक। सममेट्रिक के अंदर x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x स्क्वायर, बस इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है वन टू, क्या टू वन प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट, एक ही काफी है सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, वन टू प्रेजेंट इन R, बट टू वन डज नॉट प्रेजेंट इन R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। तो देखिए यहां पर डिवीजन है, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, एंड की बात करें तो z इज डिविजिबल बाई y, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, z इज डिविजिबल बाई x, तो ये डिवीजन रूल ही है। अगर देखिए जो है x है वो y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो x z को डिवाइड करेगा ही करेगा, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज x माइनस y इज एन इंटीजर्स। तो देखिए पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अंदर x रिलेटेड टू x, x रिलेटेड टू x मींस अगर x माइनस x करें दैट इज इक्वल टू जीरो, इट इज एन इंटीजर्स, it is an integer, so it is reflexive। या मैं आपको बताऊं सीधी सी बात है, अगर आप x में से y करेंगे तो हमेशा में क्या होगा, integer ही मिलेगा, तो x minus x भी integer होगा, तो so it is reflexive। second is symmetric, symmetric भी होगा क्योंकि x related to y, this implies y related to x, क्योंकि x माइनस y करेंगे तो भी जो है इंटीजर आएगा, y माइनस x करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, x माइनस y इज एन इंटीजर एंड आल्सो y माइनस x इज आल्सो इंटीजर, सो इट इज सिमेट्रिक। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी क्यों होगा, क्योंकि x माइनस y भी इंटीजर होगा, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड z, तो आप देख सकते हैं x माइनस y इज एन इंटीजर, y माइनस z इज एन इंटीजर, देन x माइनस z इज आल्सो इंटीजर, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि यहां पर एक इंटीजर ही है, तो x माइनस y करें, y माइनस z करें, x माइनस z करें, कुछ भी करें, तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो आगे चलते हैं पांचवा पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है रिलेशन फर्स्ट है एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो फर्स्ट चेक करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट फिफ्थ का फर्स्ट आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो पहला क्या चेक करें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्सेलेरेटेड टू एक्स। क्या वही उसी लोकेलिटी में काम करता है? यस, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो यह क्या है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड सिमेट्रिक, एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। तो एक्स रिलेटेड टू वाई का क्या मतलब है? एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, दिस इंप्लाइज। अब देखिए एक ही जगह पर काम करते हैं तो वाई और एक्स भी एक ही जगह पर काम करेंगे। वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यह कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक भी है। आगे चेक करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई रिलेटेड टू जेड, इट मीन्स वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेसेस। दिस इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू Z, X and Z work at same place. देखिए X, Y किस जगह पर काम करता है? एक ही जगह पर काम करते हैं Y और Z, तो X और Z भी एक जगह पर काम करेंगे। So it is a transitive relation. तो आगे next, X and Y lives in the सेम लोकेलिटी में रहते हैं एक्स और वाई। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए एक्स एंड वाई लाइव एट सेम लोकेलिटी, तो यहां पर ही सेम रीजन ही रहेगा। एक्स एंड एक्स दोनों चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे एक्स एंड एक्स, लाइव एट सेम लोकेलिटी। इन द सेम वे एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, तो यहां पर क्या चेंज कर देंगे हम? यहां पर लाइव इन सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पर रहते हैं, लाइव इन सेम लोकेलिटी। वही रीजन इधर है, लाइव इन सेम लोकेलिटी, लाइव इन सेम लोकेलिटी, लाइव इन इट इज ए ट्रांजिटिव। तो पहला भी तीनों है, दूसरा भी तीनों है। नेक्स्ट वन इज सी, सी पार्ट को देखते हैं।
सी पार्ट, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है. तो पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव देखिए एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो इसको हम लिख कर देखें एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स. क्या हो सकता है? एक व्यक्ति अपने से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आगे चलते हैं. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब x related to y, this implies y related to x. क्या लिखेंगे? x is exactly 7 centimeter taller than y. तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x. क्या इसका उल्टा हो सकता है? नॉट पॉसिबल. छोटा तो लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. यह सिमेट्रिक नहीं है, उल्टा नहीं हो सकता. तीसरा ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z. यह भी नहीं हो सकता, लिखकर देख सकते हैं x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y इज exactly 7 सेंटीमीटर taller than z. तो ऐसा नहीं हो सकता, ये 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा x. x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z. This is not possible. This is not possible. So it is not transitive. It is not transitive. ये full explanation के साथ आपको ये answer दिए जा रहे हैं. आगे D part. D क्या है? XY, X is Y for Y. तो पहला चेक करें रिफ्लेक्सिव. X related to X. X related to X means X is Y for X. It is possible. X X की पत्नी हो सकती है? Not possible. So it is not reflexive. It is not reflexive. आगे चलते हैं symmetric. So symmetric के अंदर x related to y, this implies y related to x. दोनों present होने चाहिए. Y related to x दोनों present होने चाहिए. X is wife of y. X is wife of y, but y is not wife of x. तो ये हो नहीं सकता. So it is not symmetric. यह symmetric नहीं है. आगे C transitive. ट्रांजिटिव चेक करने के लिए
x related to y related to z, this implies x related to z. So ye check karenge, x is wife of y, x is wife of y. So y is wife of z. Is it possible? X is wife of y. Y की वाइफ है तो वाई भी एक जेंट्स है तो वो हमेशा जेंट्स ही रहेगा. क्या लेडीज हो रहेगा? तो वाइफ इज मैन नॉट वुमेन. नॉट वुमेन आप देख सकते हैं यहां पर ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग अगर वो जेंट्स है तो वो जेंट्स ही रहेगा, वुमेन नहीं होएगा. तो ये नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन. वाई रिलेशन जेड is not present, is not present. तो ये y और z इसके अंदर present ही नहीं है तो accident क्यों check करें? तो by default, it is a transitive relation. तो ये transitive relation है. दोबारा से फिर बता दूं, क्योंकि हमने ये x related to z तभी check करना होता है अगर y और z उसके अंदर present हो, वरना चेक ही नहीं करना होता. तो सिर्फ ये तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है. सो बाय डिफॉल्ट इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन. अब लास्ट वन ई. आर इज इक्वल टू पांचवे का ई पार्ट. XY, X is father of Y. X is father of Y. तो पहला रिफ्लेक्सिव, X related to X, X is father of X. Not possible. Not possible. So it is not reflexive. यह reflexive नहीं है, मेरे ख्याल में पता चल गया होगा. दूसरा symmetric, x related to y, this implies y related to x. Y related to x is a father of y. Y is father of X. This is not possible. This is not possible. So it is not symmetric. Third one check करते हैं. Transitive X related to Y and Y related to Z, this implies X related to Z. तो देखिए अगर भर कर देखें, X is father of Y, Y is father of Z. X Y का पिता है, Y Z का पिता है. तो X is father of Z. तो देखिए नॉट पॉसिबल. एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा. नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा. ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्स इज ए फादर ऑफ वाई प्रेजेंट इन द रिलेशन. Y related to Z is also present in the relation, but this is not possible, so it is transitive relation. उम्मीद है रिफ्लेक्सिव, symmetric और transitive किस प्रकार चेक किए जाते हैं आपने अच्छी तरह से देख भी लिए हैं और समझ लिए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है. आपका बहुत बहुत